दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपके और सिर्फ आपके सपने को लेकर। आपका सपना क्या है? आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या सपना देखना चाहते हैं? क्या आपको दूसरों की मदद करना पसंद है या आप अधिक दोस्त बनाना चाहते हैं? क्या आप जॉब पाना चाहते हैं या आप अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस चाहते हैं? क्या आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप मालिक बन के जीना चाहते हैं या आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं? क्या आप अपना नाम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं या आप सीखना और सिखाना चाहते हैं? सपना कोई भी हो, सपना किसी ने भी देखा हो, उसे पूरा हम करेंगे। अगर इनमें से किसी भी तरह का सपना आपने जीवन में अगर कभी देखा है, आप जरा ठहरिए और विचार कीजिए, क्या आप जो कर रहे हैं इससे आपका सपना पूरा हो सकता है? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दुनिया के उन 1% लोगों में से हैं जिन्होंने सपना देखा और उसे पूरा किया। और अगर आपका जवाब ना है तो जरा दोबारा अपने इन्हीं ख्वाहिशों की लिस्ट पर नजर डालिए और पूछिए खुद से, आपने इस सपने को ही क्यों चुना? अगर मान लीजिए कोई आकर आपको कह दे तुझे ये करने का हक नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू वो कर जो मैं तुझे बता रहा हूँ, तब क्या करेंगे आप? अगर आप अपने सपने को लेकर चिंतित हो रहे हैं तो वेलकम टू द फैमिली ऑफ ESSC प्लस। हम आपको वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जो आपके सपने को आप तक पहुंचाएगा। आपकी मेहनत और हमारी ट्रेनिंग पहुंचाएगी आपको आपके मंजिल तक। मैं आपका दोस्त और होस्ट विश्वजीत, लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर ड्रीम्स इनटू एक्शन। दोस्तों सब ने कहा कैरियर पर ध्यान दो, कैरियर पर ध्यान दो। क्या है कैरियर, क्या सर आप बता सकते हैं? ये सर आप हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी की 5 साल की कड़ी मेहनत में हमने बहुत से सक्सेसफुल लोगों के जीवन को स्टडी किया। आखिर ये लोग सक्सेसफुल बने कैसे? सुहास गोपीनाथ दुनिया के यंगेस्ट सीईओ कैसे बने? थॉमस एडिसन वैज्ञानिक कैसे बने? बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के भगवान कैसे बने? बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करने के बाद हमारे सामने कैरियर की वो राह आई जो हर किसी के लिए एक जादू की छड़ी साबित हुई। और हमने पाया कि कैरियर वो है जो ईमानदारी से पैसे कमा के अपने सपने को पूरा कराए, कैरियर वो है जो ईमानदारी से पैसे कमा के अपने सपने को पूरा कराए। और हमारे इसी कैरियर को बनाने के लिए जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना चाहिए। एक है नॉलेज और दूसरा इनकम। अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा है पर पैसे नहीं कमाता, क्या इनका कैरियर ब्राइट है? और अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा है पर नॉलेज नहीं है, क्या इनका कैरियर ब्राइट है? नहीं साहब, कोई भी आकर ठग सकता है। यानी कि कैरियर को बनाने के लिए चाहिए नॉलेज जो कि आएगी एक अच्छी एडुकेशन से, और चाहिए इनकम, तब बनती है आपकी सोसाइटी में पहचान जो कभी रुकेगी नहीं और आप इसे रुकने दोगे नहीं। अब ये एडुकेशन आएगी कहां से? एडुकेशन 2 तरह की होती है, एक तो ट्रेडिशनल एडुकेशन और दूसरी वोकेशनल कोर्स। इन दोनों तरह के एडुकेशन से हमारा कैरियर अप्रॉक्स 60% तैयार हो जाता है। ट्रेडिशनल एडुकेशन जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे कोर्सेज ट्रेडिशनल एडुकेशन या एकेडमिक लर्निंग कोर्स कहलाते हैं। और वोकेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बिजनेस स्टडीज, ये सारे वोकेशनल कोर्स या कैरियर एडुकेशन कहलाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देश को आजाद हुए काफी साल बीत चुके हैं और इन सालों में देश की प्रगति और इस प्रगति के साथ साथ देश की पढ़ाई में भी काफी बदलाव आया है। युवाएं आज रोजगार पाने के लिए तरह तरह के वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद भी 100 में से सिर्फ 15 युवाओं को ही अच्छी नौकरी मिल पा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि सही दिशा में सही कोशिश या गाइडेंस का ना मिल पाना। आइए देश की आजादी से लेकर आज तक के इस एडुकेशन ग्राफ को देखें, जहां हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि इतने सालों में एडुकेशन में किस तरह से बदलाव आया और आज हमें किस तरह के कोर्स को करने की जरूरत है। जब देश को आजादी मिली 1947 में, कोई कानून व्यवस्था नहीं होने की वजह से जो लोग वकालत पढ़े थे 100% लोगों को काम पर बुलाया गया और हमारा संविधान बना। पर आज अगर कोई वकालत की पढ़ाई करे तो नौकरी बहुत कम लोगों को मिल पाती है।
जब 1960 का समय आया तब शिक्षकों की मांग काफी ज्यादा थी। उस समय 90% लोगों को शिक्षक की पढ़ाई के बाद नौकरी मिल जाती थी, पर आज अगर कोई शिक्षक की पढ़ाई करे तो नौकरी बहुत कम लोगों को मिलती है। हमने इतिहास में पढ़ा है 1970 के दशक में भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच लड़ाइयां चल रही थी। इस समय भारत को सेना की आवश्यकता थी। उस समय जो लोग सेना की पढ़ाई करते उनमें से 80% को सेना में नौकरी मिल जाती थी, पर आज अगर कोई नेशनल लेवल पर डिफेंस की वैकेंसी निकलती है तो हमने देखा है कितने लोग एग्जाम देने आते हैं। अगर मान ले पूरे भारत के स्कूल या कॉलेजेस के एक एक टॉपर भी एग्जाम लिखे तो उसमें हमारा नंबर कितना होगा। जब 1980 का समय आया तब बैचलर डिग्री की मांग थी। बैचलर डिग्री करने के बाद 70% लोगों को नौकरी मिल जाती थी, पर आज नौकरियां बहुत कम लोगों को मिल पाती है। 1990 के समय जब आया आईटीआई की मांग थी। 60% लोगों को आईटीआई के बाद नौकरी मिल जाती थी, पर आज आईटीआई के साथ अप्रेंटिस करने के बाद भी नौकरियां मुश्किल से ही मिल पाती है। विद्यार्थियों को साथ ही दूसरे कोर्सेज को करने की जरूरत महसूस हो रही है। फिर आया दोस्तों 2000 ईस्वी का समय। इंजीनियर्स की मांग बढ़ने लगी, पर आज एक इंजीनियर की कहानी कुछ ऐसी है कि 83% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। 70 में से सिर्फ 7 को ही नौकरी मिल रही है। गवर्नमेंट नौकरी पाने के दौड़ में हमारे देश के भावी इंजीनियर्स पीछे होते जा रहे हैं। नौकरी के चांसेस 0.004% ही होकर बस रह गई है। बुरा न माने दोस्तों, अभी भी वक्त थमा नहीं है, जरूरत है तो बस बदलने की। विश्व में 3 तरह के युग आए, कृषि युग, औद्योगिक युग और अब है सूचना युग। आज के इस सूचना युग में हमें जरूरत है तो आईटी के नॉलेज की। आईटी की मांग पूरी दुनिया में इस तरह से बढ़ रही है कि हम देख सकते हैं हर जगह, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो या मैनेजमेंट, कंपनीज इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रही है। एक्चुअली इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 15-20 साल पीछे है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं भारत में बहुत सारे जॉब खत्म होने वाले हैं और कुछ नए जॉब आने वाले हैं। जैसे जो हर कोई कर सकता है वो रोबोट भी कर सकता है। अगर हर कोई ड्राइवर बन सकता है तो रोबोट भी बन सकता है। गूगल ऑलरेडी टेस्ला के साथ मिलकर एक ऐसी कार बनाई है जो ड्राइवरलेस है। अगर सारी गाड़ियां ड्राइवरलेस हो जाए तो एक्सीडेंट के चांसेस 0, ड्राइवर की नौकरियां खत्म। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये BMW कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वर्कशॉप है जहां सब कुछ ऑटोमेटिक है। अगर भारत की कंपनीज भी आने वाले सालों में ऑटोमेटिक हो जाए तो लेबर की नौकरियां खत्म। पर कुछ ऐसी भी नौकरियां हैं जिसे करने के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे पीपल मैनेजमेंट और मशीन मेंटेनेंस। जो लोग आईटी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं। पर अब सवाल उठता है कि आखिर 100% जॉब को पाने के लिए करना क्या होगा। अगर मान लीजिए सर मैं आपके पास सेफ की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आऊं तो आप मुझ में ऐसा क्या देखेंगे कि आप मुझे काम पर रखेंगे। बहुत सारे लोगों से यही सवाल पूछने पर जवाब मिला कि सर आपको खाना पकाना आता है या नहीं। बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने, खाना पकाने पर मुझे नॉलेज है या नहीं। कुछ समय बाद इन्हीं लोगों से एक और सवाल पूछा गया, अच्छा सर आप कितने परसेंट नॉलेज किसी इंसान में देखना चाहेंगे कि कम से कम इतने परसेंट नॉलेज होने पर उस इंसान को काम पर रखा जा सकता है। तो अधिकतर लोगों ने कहा सर 80% तो होने चाहिए। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, रिसर्च में बात सामने आई, एक कंपनी सिर्फ 15% नॉलेज देखती है अपने इंटरव्यूवी में। अगर आपके नॉलेज पर इतना कम ध्यान दिया जाता है तो 85% वो क्या देखती है, वो देखती है आपके सॉफ्ट स्किल को। और हम गलती कर देते हैं इंटरव्यू में जाते समय 80% नॉलेज पर ध्यान देते हैं और स्किल डेवलपमेंट पर हम ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों अगर मैं आपके पास सेफ की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आऊं तो आप तो जानते हैं मैं खाना पकाना सीखने के बाद ही आपके पास आया हूं, है ना। तो इसलिए इंटरव्यूअर आपके नॉलेज पर कम और आपके कैरेक्टर और स्वभाव पर अधिक ध्यान देते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, शायद वो आपके मन में ना आ रहा हो कि ये सॉफ्ट स्किल है क्या जिस पर इतना फोकस किया जा रहा है। दोस्तों इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सेट्रा आते हैं। इन्हीं सारे चीजों से मिलकर हमारा कैरेक्टर और स्वभाव में निखार आता है।